welcome back to my channel. In today's video, we are doing Meesho hijab haul. Hijab, jilbab, abaya, naqab, sab kuch maine ye video mein include kiyo. Even prayer dress bhi maine Meesho se try kiyo. So without any further ado, let's get started. Start karne se pehle, agar aap mere channel pe new ho, if you're watching me for the very first time, please take some time and subscribe kar lo mere channel ko. Video to chalo start kar. Okay, jo maine dekh ke purchase ki uski picture main yahan pe de dungi. Mujhe kya receive hua hai, wo main aapko pehen ke bhi dikhaungi aur in general aapko pass lucky material sab ke bare mein details dungi. I love such hijabs. तो मैंने plain hijab ही purchase की, ये देख के मैंने purchase की थी, ये 200 rupees का मुझे पड़ गया and this is what we got. मतलब color में बहुत ज़्यादा difference है, देख सकते हो इसमें कौन सा color दिख रहा था और इसमें कौन सा color receive हो गया है. कलर डिफरेंस है बट मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है बिकॉज आई लाइक द क्वालिटी एंड द मटीरियल. मटीरियल इसका अच्छा है और कलर भी ऐसा एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यूड सा कलर है तो भाई मुझे तो बहुत सही लगा है. यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगी पहनने के बाद मैं कैसा लग रहा है. ये जो मटीरियल है ना, ये इससे पहले मैंने जब मीशो हिजाब हॉल की थी ना, तब मटीरियल अच्छी नहीं थी बट ये वाली मटीरियल मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, अच्छा लगा. ओके, ये अच्छा लगा. ये जॉर्जेट मटेरियल नहीं है, दिस इज़ हैवी शिफॉन मटेरियल. ठीक है, हैवी शिफॉन हिजाब आ जाता है. इसकी जो लेंथ विड्थ है ये भी बहुत सही है, देख सकते हो. ये ना एटलीस्ट 2 meter फुल तो नहीं है बट 2-1 and something कुछ आ जाएगा. ये देख सकते हो इसकी लेंथ, यार इससे बड़ा और क्या ही चाहिए. ये सारे कलर्स अवेलेबल है, आप कोई भी परचेस कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पर्चेस. मूविंग फॉरवर्ड, मैंने एक ब्यूटीफुल सा अबाया परचेस किया. ये ब्लैक अबाया नहीं है, कलरफुल अबाया, मुझे 600 rupees में मिल गया. पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा था इसमें 2 shades आ जाएंगे आपको, एक ऐसा ये पर्पल लैवेंडर जैसा था और एक मरून रेड सॉर्ट ऑफ कलर था. मैंने पर्पल कलर परचेस किया and this is what we received. जैसा मतलब पिक्चर में कलर दिख रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही आया है. ये ऐसा लेयर सॉर्ट ऑफ अबाया मिल जाता है आपको 600 rupees में. इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी आई है, देख सकते हो. आई लाइक द क्वालिटी ओवरऑल. इसकी जो स्लीव है इसमें ऐसी डिटेलिंग मिल जाती है. स्लीव में यहाँ पे इलास्टिक लगा होता है. इलास्टिक लगने से क्या होता है पता है, ये तो नॉर्मली आप जो भी ड्रेस पहनते हो उसका स्लीव ऐसा ऊपर चढ़ते रहता है तो आपका स्किन विजिबल होता है. इसमें आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ऑब्वियसली अबाया है तो ये ऐसा स्लीव रहता है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है. इसी के साथ में आपको बेल्ट भी आ जाता है, क्लॉथ बेल्ट. आप चाहे तो उसको लगा सकते हो, चाहे तो निकाल सकते हो. यहाँ पे मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ और बिना लाइक निकाल के भी मैं आपको वीडियो यहाँ पर लगा दूंगी. इसी के साथ में आपको मैचिंग ये आ जाता है हिजाब. हिजाब मुझे पसंद नहीं आया बट स्टिल जैसा आया था वैसा मैं यहाँ पे आपको पहन के दिखा रही हूँ. सेम हिजाब मैंने यूज़ किया. इसकी जो हिजाब की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है बट सिंस इसमें ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है तो ओवरऑल पहनने में लुक थोड़ा अच्छा दिखता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पहन के दिखा रही हूँ. नॉर्मली तो मैं ऐसा हिजाब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी. ऐसा है कि आपको फ्री में मिल गया है हिजाब तो वैसे एकदम बहुत लोकल क्वालिटी, देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है. लाइक पूरा ही इतना ट्रांसपेरेंट पहनने की मतलब इसका हिजाब का कोई यूज़ ही नहीं है तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. ओवरऑल द हिजाब द अबाया इज़ नाइस. मेरी जो हाइट है ये 5'1" है, माई हाइट इज़ 5'1" इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है. मैंने इसको हील्स के साथ पहनी हूँ तो भी मुझे लंबा है. आप अपने हाइट के हिसाब से यू गाइस कैन मैनेज. ये फ्री साइज़ आता है, इसमें कोई साइज़ नहीं है, मीडियम लार्ज या 54-53 ऐसा कुछ साइज़ नहीं है. और ये यहाँ पे ऐसी डिटेलिंग आ जाती है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा ऐसा डिटेलिंग दिया गया है. आई पर्सनली लाइक इट. अब देख सकते हो ये दो ही आपको ऐसे डिटेलिंग मिल जाएगा और बाकी पूरा प्लेन है. जब आप इसको विदाउट क्लॉथ बेल्ट पहनते हो तो एकदम ऐसा लूज सा कुछ, ये इसका साइज़ है. आई गेस सबको यही साइज़ मिल रहा है इसमें क्योंकि साइज़ ऑप्शन तो नहीं है. इनकेस अगर आपको XL XXL रहेगा तो मिल जाएगा. मरून कलर भी अवेलेबल है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो. मुझे अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई मोस्ट फेवरेट परचेस. पहली बार मैंने मीशो से ऐसा हिजाब परचेस की थी. ये एकदम ना अभी शादी सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन है तो आप ऐसे हिजाब पहन सकते हो, पूरा फैंसी सा है. यहाँ पे डायमंड लगा हुआ दिखाता. दिस इज वॉट वी रिसीव्ड. वेट, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्पेशलिटी. इसमें पूरा ऐसा डिटेलिंग मिल जाता है, देख सकते हो आप. ये एकदम रेडी टू वेयर हिजाब है, इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें यहाँ पे आपको दोनों साइड से ना ऐसा नॉट बांधने के लिए आ जाता है. इसमें यहाँ पे ऐसी लेस डिटेलिंग दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है. इसमें आपको बस इसको ऐसे करना है,
लाइक देख सकती हूँ यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल दे दूंगी कि कैसे पहनते इसको। आपने कैसे भी अपने जस्ट ऐसे सर पे रख लेना है एंड इसको पीछे की तरफ आप इसको नॉट बांध सकते हो, आगे की तरफ बांध सकते हो। मटेरियल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, ये जॉर्जेट मटेरियल है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा जॉर्जेट मटेरियल है, बट इट्स नाइस, पहनने के बाद में अच्छा लगता है। अंडर के आप अंदर पहन के फिर ही पहनना तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। बट सॉफ्ट लगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। मैं मटेरियल की बुराई इसीलिए नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल जो इसका लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये कहीं और से परचेस करोगे तो आपको कैसे भी 500-600 रुपीस के देने ही पड़ेंगे। आई डोंट नो अगर कहीं पे सस्ता मिलता है कि नहीं, बट मैंने जितना इसको इंस्टाग्राम पे देखी तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, बट इसमें मुझे सिर्फ 300 रुपीस में मिल गया, विच इज़ चीपेस्ट, ठीक है, चीपेस्ट है एंड इट्स नाइस। लेंथ जो आती है, लेंथ विड्थ भी इसकी बहुत बड़ी है, देख सकते हो इसकी लेंथ विड्थ भी अच्छी आ जाती है। पहन कैसे पहनते हैं, कैसे कैसे इसको स्टाइल कर सकते हैं उसका मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी। एक बार पीछे बांध के मैंने स्टाइल करके देखी हूँ, फिर मैंने अपने यहाँ पे भी नॉट बांध सकते हो। कुछ लोगों को होता है ना कि यहाँ पे नॉट बांधना है कुछ ऐसा लुक आने के लिए, सो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एकदम ऐसा कर्व सा लुक देता है, ठीक है, ऐसा इसका कर्व सा लुक ऑलरेडी है क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा थिक है, देख सकते हो यार, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है। 300 रुपीस में इसमें कोई बुराई नहीं है। आई विश इसमें और भी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल होते, जो भी कलर्स ऑप्शन रहेंगे मीशो के मैं सारा ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर सकते हो। ऐसे और भी मीशो में अवेलेबल है, लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मी टू ट्राई दैट, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी। आई लव्ड इट। अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाई ये सारे आपको ना 600 के अंदर ही दिखाई, बट अब जो मैंने परचेस की ये ब्लैक कलर का थोड़ा सा हैवी अबाया है, ये देख के मैंने परचेस की थी, ये मुझे 1000 रुपीस का पड़ गया था, ओनली फॉर 1000 रुपीस। ये इसकी डिजाइन कुछ ऐसी दिख रही थी, आई वॉज वेरी क्यूरियस, तो मैंने ये परचेस कर ली इन द शेड ब्लैक। एंड यू गाइज, दिस इज वॉट वी रिसीव्ड, वेट लेट मी शो यू। ये कुछ ऐसा आ जाता है, एकदम ऐसा कुछ जैकेट टाइप इसका कुछ पैटर्न है, देख सकते हो ऐसा जैकेट टाइप इसका पैटर्न है। ये ना स्टिच्ड है, अंदर से ऐसा स्टिच किया हुआ मिल जाएगा आपको, एंड इसमें भी ऐसी ये स्टोन की डिटेलिंग दी गई है। अभी तो शादी सीज़न है, सबकी शादियाँ वादियाँ इन्विटेशन एंड ऑल है, तो आप शादियाँ वगैरह में पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ओनली फॉर 1000 रुपीज़, इट्स नॉट अ बैड डील। बट या मैंने सोची थी कि अलग अलग आएगा, पर कोई नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स नाइस, ठीक है। और नीचे साइड में भी इसकी ऐसी डिटेलिंग मिल जाती है, यहाँ पे पूरा ऐसा प्लीटेड है, ठीक है, नीचे से सब पूरा प्लीट्स लगा हुआ है। पहनने के बाद में इट रियली लुक्स क्यूट। इसी के साथ में क्लॉथ बेल्ट भी आया था, बट वो मैंने यहाँ पे नहीं पहनी। पहनने के बाद में कैसा लग रहा है उसका वीडियो तो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ इसी के साथ में, ठीक है। इसी के साथ में मुझे हिजाब भी आ गया, मतलब मैं क्यों ही बात कर रही हूँ हिजाब की, बट यहाँ पे मैंने इसको कुछ ऐसे इस तरीके से स्टाइल की थी, इसीलिए मैं आपको इसका हिजाब की डिटेलिंग भी दे देती हूँ। हिजाब में इसके ऐसा लगा हुआ है, एरिया आता है ना, इसको मैंने ऐसे रखी ताकि वो जो डिज़ाइन है ये अच्छे से दिखे, और फिर मैंने यहाँ पे पिन कर दी थी, तो ये अच्छा लगा मुझे तो, मतलब ऐसे लगाने के लिए। बट ये जो ओवरऑल जो हिजाब का मटेरियल है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप कोई भी अपने अच्छे हिजाब में ना साइड में ये वाला जो पोर्शन है ये कट करके अपने नॉर्मल हिजाब में लगा सकते हो, ब्लैक हिजाब में। इसकी क्वालिटी इज़ वेरी बैड, जब मैं इसका वीडियो निकाल रही थी ना तो पूरा ये जो नेक पार्ट है पूरा विजिबल हो रहा था, मतलब हिजाब पहनने का फ़ायदा ही क्या है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो हिजाब के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ अबाया के बारे में बात करते हैं। अबाया का जो मटेरियल है निदा मटेरियल आ जाता है, इट्स नाइस, ठीक है, बहुत कोई अच्छा मैं नहीं बोलूंगी, शायद कुछ जगह पे ये लोकली और सस्ते में मिल जाएगा, बट जो पैटर्न और जो डिजाइन है ये आपको इतना रैंडमली नहीं मिलेगा, तो या आप इसको ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट परचेस की हूँ प्रेयर ड्रेस, ठीक है, जो नमाज पढ़ने के टाइम पे यूज होता है। नॉर्मली अगर आप भी मेरी तरह सा टी शर्ट शर्ट पहनते हो घर में तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा कि जब भी अजान हुई तो आप बस इसको अपने जो भी ड्रेस पहने उसके ऊपर पहन के पूरा यू नो नमाज पढ़ सकते हो, फुल कवरेज। मैंने ये देख के परचेस की थी, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिल गया, मुझे 500 या 600 का कुछ था, एंड दिस इज़ व्हाट वी रिसीव। इसकी जो पैकेजिंग आई थी मैं यहाँ पे वीडियो लगा रही हूँ, ये इतने छोटे ये जो इसके अंदर आ गया था मुझे ये नमाज का कपड़ा, तो आप इसको कहीं पे भी ट्रैवल फ्रेंडली इसके अंदर आप नमाज का कपड़ा रख के कहीं पे भी जा सकते हो, तो आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी, आप
ये पहन के कंफर्टेबली नमाज पढ़ सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ठीक है, और लेंथ भी इसका बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके फ्रंट में ऐसा डिटेलिंग दिया गया है लेस का, और ये जो हिजाब का जो एरिया आता है ना मक्काना का, वहाँ पे भी आपको ऐसा लेस की डिटेलिंग दी गई है। ये जो है नॉर्मली बांधने वाला आता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सही है। इसमें ना आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे पीछे की तरफ कर लोगे तो यू आर रेडी। कुछ नहीं करना है ऐसे, यहाँ पर मैं वीडियो लगा रही हूँ कैसे पहनना है आपको, बस उसी तरीके से वेट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा इसका बहुत लेंदी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, इस ये पूरा ऐसा आ जाता है। आपको बस ऊपर से इसको ऐसे डाल लेना है एंड दैट्स इट, जस्ट स्लाइड इट डाउन एंड यू आर गुड टू गो। मतलब बहुत सही लगा मुझे। मैं पर्सनली माय हाइट इज़ नॉट दैट ग्रेट, मैं सिर्फ 5'1", मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, तो इसीलिए मैंने मुझे ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आप चाहे तो अपने हाइट के हिसाब से इसको कट डाउन कर सकते हो, जैसे भी आप प्रेफर करते हो। दे आर सेंडिंग अ वेरी बिग साइज, आप अपने हाइट के हिसाब से चाहे जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है उसको आप कट कर लो, बट मेक श्योर कि थोड़ा ज़्यादा आप नीचे फ्लोवी रखो ताकि पूरे जो लेग्स है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं यहाँ पे भी ऐसा इलास्टिक लगा हुआ है, वेरी नाइस। मतलब इतनी सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हो अपने हिजाब में या फिर अपने ड्रेसेस में, फुटवेयर में, एक नमाज का कपड़ा अच्छा आपके पास होना ही चाहिए। इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ये मटीरियल आ जाता है क्रेप मटीरियल, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको ऐसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिलबाब। मैंने मीशो से ये देख के परचेस की थी एंड दिस इज़ वॉट वी रिसीव्ड। पहली बात तो कलर सेम बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम क्योंकि कलर मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो अभी वो चीज़ हटा देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मटीरियल क्वालिटी। मटीरियल इसका अच्छा है, मटीरियल आपको ये सब पॉलिस्टर जैसा मटीरियल आ जाता है, बट इट्स वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। कैसे इसको पहनते हैं वो मैं यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल दिखा दूंगी। इसमें ना बेसिकली आपको ऐसे 4 नॉट्स मिल जाते हैं, मतलब देखो ऐसे ना 4 साइड्स आपको मिल जाते हैं जो आप अच्छे से नॉट बांध सकते हो। पहले 2 आता है ये सब बड़ा वाला, ठीक है, जो आपको ऐसे फ्रंट में आपको टाई करना है। आप इसको चाहे तो ऐसे पीछे से टाई कर सकते हो या फिर ऐसा आगे यहाँ पे चिन पे टाई कर सकते हो। और ये जो आता है ना, ये छोटा वाला हिस्सा जाता है ऐसे, आप अंदर से इसको टाई करोगे ऐसे कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा कवरेज देता है यहाँ पे। तो या मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखाई हूँ, बट आई डोंट नो अगर आपको समझ में आएगा क्या, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो में इसको ऐसे करके पहले अंदर से पहन ली हूँ, उसके बाद में ये जो एरिया है मैंने इसको आगे लेके आके पीछे टाई करके आप यहाँ पे दिखा रही हूँ। इट्स नाइस, बट मुझे जिलबाब का एक प्रॉब्लम लगता है, ये जो वन पीस जिलबाब होते हैं ना, इसका ये प्रॉब्लम है, आप जब भी ऐसे हाथ उठाओगे तो पूरा मतलब साइड से ऊपर हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल इट्स नाइस। इसका जो स्लीव आ जाता है, स्लीव में भी ऐसा पूरा इलास्टिक लगा हुआ है, लाइक ओ माय गॉड इट्स सो नाइस। ये जो इलास्टिक लगा हुआ होता है ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप बताना आपको ये कैसा लगा। मुझे मटेरियल क्वालिटी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है। ऑल्सो इसी को मैंने 2 स्टाइल में आपको यहाँ पे पहन के दिखा रही हूँ, आप ये वीडियो ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देन वी हैव द नकाब। इसमें तो छोटा सा नकाब आ जाता है एंड या इसको आयनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जिलबाब तो मुझे ऐसे ही आ गया था, जिलबाब का मटेरियल में इतना ज़्यादा आयनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही पहनी हुई यहाँ पे विदाउट आयन किए एंड इट वाज लुकिंग नाइस। देन ये जो नकाब आता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, देख सकते हो छोटा सा आ जाता है एंड या इट्स नाइस, ऐसा आ जाता है। तो ये आई एम नॉट समवन हु वेयर्स जिलबाब, बट आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको ट्यूटोरियल रिकॉर्ड की हो। लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। इफ़ यू वांट मी टू ट्राई मोर जिलबाब, डू अ सेपरेट जिलबाब हॉल वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। नाउ लेट्स मूव टू आर लास्ट परचेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्टली मैंने परचेस की हूँ मीशो से नकाब, ठीक है। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि नकाब हॉल करो, ये मैंने ये देख के परचेस की थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पिक्चर था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। और ये मुझे 200 या 300 का पड़ गया, जो भी प्राइस है मैं स्क्रीन पर मैंशन कर रही हूँ। एंड ये आ गया है मुझे ब्लैक नकाब, ठीक है। ये भी कैसे पहनी हूँ यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी। ये ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है, इसमें आपको 3 लेयर्स मिलेंगे। इसका जो फर्स्ट ये आ जाता है फर्स्ट लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर के बाद में आपको बहुत ही एकदम कम सा ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आप जो कैमरा में देख सकते हो ना, इतना ही यहाँ से आपको विजिबल होगा,
ठीक है, मुझे कंफर्टेबल नहीं था बिकॉज या आई एम नॉट अ नकाबी, तो आई थिंक जो नकाब पहनते हैं उनको ये समझेगा. नेक्स्ट आई हैव दिस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस है जहाँ से आपका आईज विजिबल होगा, आईब्रो एंड ऑल एवरीथिंग विल बी कवर्ड, बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक वे में है. तो या ये कुछ ऐसा लगता है पहनने के बाद में. आई एम नॉट समवन हु वेयर नकाब, तो इसीलिए मुझे एज सच इसका रिव्यू देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट इट्स नाइस. ठीक है, मुझे प्राइस के हिसाब से अच्छा लगा है एंड इट्स लाइक थोड़ा सा आपको इसको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे मैंने बिना आयरन करके ऐसे ही पहनी हूँ, अगर आप आयरन करके पहनोगे तो आई गेस ज़्यादा बेटर लगेगा, जस्ट एन ओपिनियन. और अगर आप इसको ऐसे ही पहनते हो तो ये जो आगे का कवरेज है ना, ये थोड़ा ज़्यादा कवरेज मिलता है. अदरवाइज जब आप इसको सब फ्लिप करोगे ना तो फ्रंट से ऐसा कुछ कवरेज नहीं मिलेगा. ऑल्सो अगर आप ब्लैक हिजाब पे ये पहनते हो तो ये अच्छा लगेगा, कलरफुल ऐसे हिजाब में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा. वेट लेट मी शो यू, अभी जो मैंने इसको ऐसे पहना है ना, इसमें आपको ये दोनों ऐसे साइड्स मिल जाते हैं. ठीक है, इसको बस आपको यहाँ पे रखना है एंड इसको आपको टाई कर लेना है. ठीक है, इसको ऐसे पहनते इसको टाई कर लिया एंड देन जस्ट डू इट लाइक दिस. नहीं यार, मेरा हिजाब तो दिख ही नहीं रहा है, बट वेन आई डू लाइक दिस तो इसका फ्रंट कवरेज थोड़ा कम हो जाता है, बट इट्स नाइस, ओवरऑल इट्स नाइस. अभी मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है, जब मैंने इसको पहली बार पहनी थी तो उतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं था, अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये डेफिनेटली चेक दिस आउट. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा. इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. Guys, that's it for today. Let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना. इंस्टाग्राम में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, हिजाब ट्यूटोरियल्स, आउटफिट सब कुछ मैं वहाँ पे ब्यूटी फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट डालती ही रहती हूँ. तो इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैंने हॉल वीडियोज़ की हूँ मिंत्रा, मीशो, अमेजोन से, तो वो वीडियोज़ भी जाके देख लो यार. एंड नाउ लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय.